बेटा मैं तो हिंदी में ही बोलने वाली थी, बैठो। अब ऐसा हो गया कि मैं तो हिंदी भाषा में बोलनी चाहती, मैंने तो कभी अंग्रेजी भाषा सीखी भी नहीं अपने जीवन में, मैं तो डॉक्टरी पढ़ती थी उसमें कहाँ कोई अंग्रेजी सिखाता, ये तो सभी इंडियन इंग्लिश ही बोलते हैं, यहाँ पर सब लोग सोचते हैं कि बड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, कोई बोलता है नहीं, लिखते भी ऐसे ही, अपने यहाँ के बड़े बड़े लेखक भी देख सब इंडियन इंग्लिश लिखते हैं, वो चौसर औसर की अंग्रेजी कोई लिखता है क्या यहाँ पर, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बड़े अंग्रेज। बहरहाल, और ये जो सहयोग है ये तो हिंदी में ही बताया जा सकता है, उससे भी अच्छा मराठी में और उससे भी अच्छा संस्कृत, लेकिन हिंदी में जितना साफ तरीके से मैं बता सकती हूँ उतना मैं अंग्रेजी में नहीं बता सकती। अब इसमें देखिए अंग्रेजी भाषा कितनी विक्षिप्त है कि आत्मा को स्पिरिट कहते हैं, शराब को स्पिरिट कहते हैं, कोई मरा हुआ भूत हो उसको भी स्पिरिट कहते हैं। इस भाषा में कोई ज्ञान ही नहीं, उससे बढ़कर तो फ्रेंच भाषा है जिसमें चेतना को शब्द नहीं। आत्मा तो रहा एक तरफ, तो ये तो अधोगति पे जाने वाली भाषाएं हैं, सच बात बताओ आपसे। अब ठीक है, हम अपने बहुत अंग्रेज समझते हैं तो समझिए, लेकिन असल में अगर आपको इस भाषा में ही समझना है तो ज़रा कठिन काम है, थोड़ा बहुत हिंदी सीखना चाहिए। वैसे भी मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा सीखनी ही चाहिए, लेकिन हिंदी वाले भी इतने अजीब हैं कि वो सीधी हिंदी बोल नहीं पाते। मेरी तो कोई हिंदी भी भाषा मातृभाषा नहीं और ना मैंने कभी हिंदी भाषा सीखी है, लेकिन स्पष्ट को अस्पष्ट बोलेंगे। मैं आपसे अस्पष्ट कहा चाहता हूँ, अस्पष्ट क्या कहा चाह रहे हैं आप, तो हिंदी वालों को भी हिंदी नहीं आती, इस तरह से किसी को भी हिंदी ठीक से नहीं आती। और मैं अगर कोई हिंदी में लेक्चर भी देती हूँ तो उसके बाद कहते हैं माँ आप तो बहुत क्लिष्ट बोल गए। मैंने कहा माँ कहाँ से क्लिष्ट बोलूंगी, मैंने तो कोई बड़ा भारी उस पर लिटरेचर पढ़ा नहीं। अब मैं बिल्ली मारान की भाषा नहीं बोल सकती, ये बात आप समझ लीजिए। और इस वजह से हिंदी भाषा में मैं जो भी कल बोलूंगी उस पर आप थोड़ा चित्त दें कि भाषा शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध भाषा या बिल्कुल ही जो ठेठ भाषा है इस भाषाओं में बोलने से आपकी समझ में नहीं आएगा, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए कल मैं बोलूंगी जरूर, लेकिन शुद्ध हिंदी में बोलूंगी, इसमें तो आपको कोई नाराजगी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं खिचड़ी हिंदी नहीं बोल पाती, अंग्रेजी तो खिचड़ी बोल लेती हूँ पर हिंदी नहीं बोल पाती क्योंकि मेरी राष्ट्रभाषा है। अब अंग्रेजी अंग्रेजी इस जन्म में सीख ली वो बहुत कुछ है, अब और मुझे सीखने का नहीं। और सबसे बड़ा जो दोष इसमें है जो मैं देखती हूँ कि इतने बड़े बड़े कवि हमारे देश में आज आज पैदा हुए हैं। एक कवि कुरूप नाम के बहुत बड़े कवि दक्षिण में हुए हैं, इनका नाम आपने सुना ही नहीं क्योंकि आप हिंदी भाषी ऐसे लोग हैं और नॉन हिंदी भाषी ऐसे लोग, लेकिन हमने शरद चंद्र को पढ़ा, हमने सारे कवियों को अपनी भारती को पढ़ा क्योंकि हिंदी भाषा में उनका सब भाषांतर हुआ था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में उस जमाने के कवि अच्छे थे जिनको कि हिंदी में ट्रांसलेट हो गए सो हो गए, और आजकल के कवि तो जहाँ तहाँ घुट के मर जाएंगे। और हिंदी भाषा के भी कवियों को बहुत समझना चाहिए, इतनी छिछोरी बातें लिखते हैं, कोई गहनता उन्होंने रखी नहीं हिंदी भाषा की और ना ही कोई उसकी इज्जत रखी कि ये राष्ट्रभाषा है हमारी। इस भाषा में इतने गंदे तरीके सब लेख आते हैं कि जो बिल्कुल शोभनीय नहीं किसी राष्ट्रभाषा में, ये हिंदी भाषियों का बड़ा भारी दोष है। चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, मैं तो यही चाहूंगी कि हिंदी भाषा में जो भी लिखा जाए वो अश्लील कम से करना, अश्लील के लिए और भाषा है उसको इस्तेमाल करें, उसके लिए अंग्रेजी है फ्रेंच उससे भी अच्छी भाषा है, उसमें बहुत अश्लील आप लिख सकते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को अश्लील बनाने की अब कोई ज़रूरत नहीं, जो बन चुके हैं उनको जाके देखिए सब बंदर बने घूम रहे हैं। आप लोगों को अगर बंदर बनना है तो उनके जैसे हो जाइए, मुझसे पूछे इन लोगों का हाल। हिंदी भाषा में बहुत कुछ कहा जा सकता है, सहज होकर बहुत बताया जा सकता, बहुत गहन भाषा है, लेकिन जो आज जो रोज़मर्रा की हिंदी भाषा है उसमें वो बात नहीं आ पाई। कृपया आप भी थोड़ा हिंदी सीखें सब लोग, और तब मैं कल से बोलूँगी। कृपया फिर आप ये ना कहिएगा कि माँ आपकी भाषा थोड़ी क्लिश रह गई,
ठीक है ना। पर जैसे ही मैं कहूंगी मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ, आधे लोग कम आएंगे, देख लेना, क्योंकि यहाँ सब अंग्रेज बैठे होंगे ना। कल देख लीजिएगा हिंदी में बोलते वक्त कितने लोग आते हैं इस हॉल में। इस हॉल में आने वाले सब अंग्रेजी जानने वाले होंगे, लेकिन अगर रामलीला ग्राउंड पे बोलूंगी तो बहुत आएंगे। अपने देश की जो विशेषता है वो रामलीला ग्राउंड पर है, वहां मेरे असली बच्चे रहते हैं। ये उनकी भक्ति देखकर आंख से आंसू बह पड़े, वैसी सादगी, वैसा प्यार, वैसी सहजता आप लोगों में भी आनी चाहिए। अब यहाँ बहुत से संवाददाता बैठे हुए हैं, न जाने मेरे बारे में क्या क्या लिखेंगे। बहरहाल आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कुछ भी हो थोड़ा सा ऊर्ध्व गति की ओर नजर करके लिखें, जिससे लोगों का भला हो, तभी तो उनका भला का सोचिए। और नहीं तो वो सफेद साड़ी पहनी है कि पीली साड़ी पहनी है, यही सब हिंदी भाषा में लिखते रहते हैं। गहनता से इस विषय को देखना चाहिए, गहनता से इधर बढ़ना चाहिए। एक से एक कवि हो गए हमारे यहाँ, कबीर दास जी को देखिए, हालांकि उन्होंने सदुकड़ी भाषा में लिखा, लेकिन आपको मालूम है बिहार में, पता नहीं मुझे यूपी में क्या कहते हैं, सुरती जिसे कि कुंडलिनी कहा गया, कुंडलिनी को सुरती कहा गया, उस सुरती को ये तंबाकू को कहते, और इससे क्या हो सकता है ऐसा अपमान श्री कबीर का। और दूसरी बड़ी लांछना की बात आपसे बताऊं, हम लोगों का आपस में कहने में कोई हर्ज नहीं, कि रैदास जी जो कि इतने बड़े संत हो गए, और कबीर दास जी, उनके लिए कहा गया कि आप अस्पृश्य हैं, और उनका आज यहाँ पर एक भी मंदिर हिंदुस्तान में बनने नहीं दिया, और जा करके वो लंदन में बर्मिंघम में उनका मंदिर बना हुआ। क्या ये लांछना की बात नहीं हमारे लिए? वो अस्पृश्य है, परमात्मा के दरबार में देखा जाएगा कौन स्पृश्य और अस्पृश्य है। ऐसी ऐसी बातें जो हमारे अंदर है वो भी देखनी चाहिए। कल से मैं हिंदी में ही बोलूं, ये तो तय रहा।